आज हमारे चाचू का बर्थडे है और आज हमारे पापा हम सबके लिए सुपर टेस्टी चॉकलेट ब्राउनी सिज़लर बना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे चाचू। थैंक यू मिस्टर नव्या, थैंक यू मिस्टर प्रांशु। नमस्कार दोस्तों, आज बना रहा हूँ चॉकलेट ब्राउनी सिज़लर और इसके जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। इनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज आपको मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला आइटम है आटा, ये गेहूं का आटा है। ये आइसक्रीम है, वनीला आइसक्रीम मैंने ली है, आपको कोई और पसंद हो आप कोई और ले सकते हैं, मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क, आप अमूल का भी ले सकते हैं, नेस्ले का, जो आप चाहें ले लें। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, वॉलनट्स, ये अमूल फ्रेश क्रीम है, अमूल बटर और ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड है। तो दोस्तों दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जब भी हम बेकिंग की चीज़ें बनाते हैं तो मेज़रमेंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो मेज़रमेंट्स आपको मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में मिले वही लीजिएगा। और तीन मेजर चीज़ें बनाई जाती है चॉकलेट ब्राउनी सिलसिले के लिए। पहला वो बनता है चॉकलेट ब्राउनी केक, दूसरा बनता है चॉकलेट सॉस और फिर तीसरा उन दोनों को मिक्स करके आइसक्रीम के साथ में सिज़लर पर रखते हैं। तो आइए सबसे पहले चॉकलेट ब्राउनी केक बनाते हैं। चॉकलेट ब्राउनी केक मैंने पहले ही बनाया है, आप अगर डिटेल में वीडियो देखना चाहें विद ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स आप मेरे उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आज चूंकि मैं दूसरा मेजर आइटम बना रहा हूं तो उसको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं या कोई और डिश मुझसे बनाना चाहते हैं तो वो भी जरूर लिखिए। तो ये शुरुआत करते हैं सबसे पहले चॉकलेट ब्राउनी केक बनाने की। सबसे पहले मोल्ड रेडी कर देंगे। मोल्ड रेडी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पर अगर आपका बटर पेपर है तो आप बटर पेपर डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए, फिर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका बटर पेपर नहीं भी है तो भी आप, मैं ये घी लगा दे रहा हूँ चारों तरफ इसके मोल्ड के और मैंने एक ये पेपर इसी की साइज़ का काट लिया था वो मैं इस पर लगा देता हूँ। अब एक बार ऊपर से घी और लगा देता हूँ और इसको इमीडिएटली इसके बाद में मैं फ्रीजर में रखूँगा। याद रखिए फ्रीजर में रखूँगा। दोस्तों मैंने एक कप से नाप के एग्जैक्टली डेढ़ कप आटा लिया है, इसमें मैं मिला रहा हूँ हाफ अ टीस्पून बेकिंग सोडा, इसमें मिला रहा हूँ 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसको सीव कर लेते हैं। और दोस्तों एक साइड में मैंने ये एग्जैक्टली 220 ml नाप के पानी लिया है, इसमें मैं ये 100 ग्राम का पूरा अमूल बटर एक साथ डाल दूँगा और इसमें डालूंगा मैं 200 ग्राम ये चॉकलेट है। आप इसको टुकड़े करके भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने देखा है कि माइक्रोवेव में बहुत जल्दी से ये पिघल जाती है। अगर आप चाहें डबल बॉयलर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसे माइक्रोवेव में रख दे रहा हूँ। देखिए चॉकलेट जल ना जाए इसलिए उसे मैक्सिमम 30-30 सेकेंड के लिए आप माइक्रोवेव में रखिए, बाहर निकालिए, चेक कीजिए, थोड़ा हिलाइए, फिर दोबारा से रखिए। 30 सेकेंड से ज़्यादा बिल्कुल भी मत रखिए वरना जल जाएगी। जब तक चॉकलेट रेडी हो रही है तब तक मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारा जो मोल्ड है उसको मैंने फ्रीजर में से निकाला है। अब इसकी मैं थोड़ी आटे के साथ में डस्टिंग कर लेता हूँ और इसके बाद में इसको वापस से फ्रीजर में रख दूँगा। तो दोस्तों देखिए ये एकदम रेडी हो गई है हमारा चॉकलेट और बटर का जो मिक्स है। अब मैं इसके अंदर मिलाऊँगा वनीला एसेंस, इसमें मैं मिला रहा हूँ 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस, इसको एक मिक्स दे देते हैं। इसमें मिला रहा हूँ 200 ग्राम मिल्क मेड और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इस मिक्सचर में मैं मिला दूंगा हमारा जो सीव्ड आटा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का मिक्सचर है। और एक साथ मत मिलाइए, धीरे धीरे करके मिलाइए और इसको लगातार मिलाते रहिए। इसमें मिला ले रहा हूँ थोड़े से वॉलनट्स या अखरोट, ज़्यादा छोटे नहीं काटने, चूरा नहीं बनाना है, थोड़े बड़े बड़े ही चाहिए और इसको कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिलाना है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। देखिए परफेक्टली रेडी है और यही कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं जरूरत पड़े इस स्टेज में तो, लेकिन मुझे जरूरत नहीं लग रही है तो मैं नहीं मिला रहा हूँ। तो हम इसको मोल्ड में भर लेते हैं। देखिए आधे से ज़्यादा मत भरिएगा, आधे के बराबर रखिएगा क्योंकि वो फूलेगा भी। थोड़े से अखरोट मैंने ऊपर से गार्निश करने के लिए डाल दिए हैं और फिर मैं इसको थपथपा दे रहा हूँ जिससे कि इसके अंदर जो भी एयर हो वो निकल जाए। साइड में मैंने ये जो हमारा एयर फायर है इसको 5 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया। तो दोस्तों मैंने केक को 180 डिग्री पर
25 मिनट्स के लिए इसमें रख दिया है एयर फ्रायर में, और 5 मिनट बाद में मैं इसको 170 कर दूंगा टेम्परेचर को, और जब तक ये टाइम पूरा नहीं हो जाएगा मैं इसको खोल के चेक नहीं करूंगा। आप जो इसमें कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आप मेरे उस वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं। दोस्तों देखिए 25 मिनट हो गए हैं, तभी मैंने पहली बार खोला है इसको, क्योंकि बीच में खोलने से ना केक फट जाता है या बीच में से हट जाता है। अभी मैं इसमें क्यूअर को डाल के देखता हूँ, देखिए क्यूअर एकदम साफ निकला है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमारा केक परफेक्टली रेडी है। अब इसको पहले ठंडा कर लेते हैं और फिर इसको डीमोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कहीं से आपको बिल्कुल फटा हुआ नहीं दिख रहा, केक एकदम परफेक्टली रेडी हुआ है। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं और फिर इसको डीमोल्ड करेंगे। तो दोस्तों चॉकलेट ब्राउनी केक यानी कि ब्राउनी तो हमारी रेडी है। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, जो है कि चॉकलेट सॉस बनाना। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए मैंने एक स्किलेट लिया है, इसमें ये 1 टेबल स्पून मैंने अमूल बटर लिया है, और इसके साथ में मैं 200 ग्राम चॉकलेट ले रहा हूँ। ये कंपाउंड चॉकलेट है, आप चाहे तो नॉर्मल चॉकलेट या जो भी चॉकलेट आप पसंद करें वो ले सकते हैं। अब मैं इसमें मिला दूंगा 200 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम। इसको मुझे लगातार स्थिर करना है, अगर आप गैस पे कर रहे हैं तो एकदम लो फ्लेम पे कीजिए, मैं इंडक्शन पे कर रहा हूँ तो मैंने 70 डिग्री टेम्परेचर ही कर रखा है। एकदम धीरे धीरे करना है जिससे कि चॉकलेट जले ना और वो अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों देखिए खाली 3 से 4 मिनट में ही बहुत सुंदर दिख रहा है, एकदम रेडी हो गया है, कंसिस्टेंसी भी देखिए। बस ज़्यादा नहीं करना है वरना हमारी चॉकलेट जल जाएगी और चॉकलेट सॉस भी जल जाएगा। एकदम लो टेम्परेचर पे 3 से 4 मिनट करने में ही रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए परफेक्टली रेडी है, हमें इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए। अब मैं गैस को बंद करके इसको साइड में रख देता हूँ और हम अगले स्टेप पे चलते हैं। दोस्तों चॉकलेट सॉस को ना मैं एक बोतल में डाल दे रहा हूँ, जिसमें ऊपर इस तरह का रहेगा कि आराम से ये निकल जाए, स्क्वीज हो जाए। अगर आपके पास ऐसी कोई बोतल नहीं है, ये सॉस की बोतल भी कहते हैं ये, अगर आपके पास ऐसी कोई बोतल नहीं है तो फिर आप उसे जैसे कीप बना लेते हैं प्लास्टिक की, वैसे बना करके कर सकते हैं। इसको मैं भर लेता हूँ। दोस्तों ये मैंने सिज़र प्लेट ली है, सिज़र प्लेट को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। आप गैस पे कर सकते हैं, इंडक्शन पे कर सकते हैं, दोनों पे आराम से हो जाती है। जब तक इसमें से धुआं आने नहीं लग जाएगा, जब तक ये काफ़ी हॉट नहीं जाएगी तब तक मैं इसको गर्म करूँगा। जब तक हमारी सिज़लर प्लेट गर्म हो रही है ना, तब तक मैं थोड़ा सा बटर जो है वो इस प्लेट के नीचे वुडन पार्ट पर लगा दे रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या है कि काफ़ी सिज़लिंग इफेक्ट आएगा। दोस्तों देखिए धुआं आने लग गया है, इसमें एकदम गर्म हो गई है। अब इसमें इसको इस पे से हटा करके हम इसके वुडन उस पर प्लेट पर रख देते हैं। ये फिक्स हो गई है। अब इसमें डाल रहा हूँ थोड़ी सी, मैंने ब्राउनी को क्या किया, जो पीसेस काटे मैंने उसके, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैंने चौकोर काटे थे, और थोड़ी सी मैंने क्या किया फ्रीजर में रख दी थी जिससे कि वो हार्ड हो जाए और मैं उसको एक क्रम करके डाल सकूँ। ये क्रम करके डालने से क्या होता है कि इसके ऊपर जब मैं ब्राउन रखूँगा ना तो एकदम तो जलेगी नहीं। देखिए मैंने 3 पीसेस इस पर रखे हैं, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, आप बड़ा एक काट के भी रख सकते हैं, जैसे आप चाहे वैसे रख लीजिए। इसके बाद में मैं इसके साथ में थोड़ा ऊपर डालूंगा अखरोट, मैं इसे थोड़ा सा साइडों से अखरोट को स्प्रिंकल कर देता हूँ। अब इसके ऊपर रख देते हैं वनीला आइसक्रीम, आप 1-2 जितने भी पीस चाहें आप रख सकते हैं, मैं 2 रख रहा हूँ। अब इसके ऊपर से मैं चॉकलेट सॉस से थोड़ा गार्निश कर देता हूँ। और अब आखिरी में जैसे ही इस पर मैं डालूंगा चॉकलेट सॉस साइड से, तो ये सिजल करने लगेगा। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा एकदम सिजल कर रहा है, ये एकदम बढ़िया से सिजलर बनाया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेस्ट की मेरी गारंटी है, एकदम ऑसम टेस्ट है। चलिए थैंक यू सो मच, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।